दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ओखला इलाके से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया और बताया जा रहा है कि दोनों संदिग्ध पति पत्नी आईएसआईएस से जुड़े हैं और दिल्ली में आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहे थे। आरोप यह है कि दोनों इंडियन मुस्लिम यूनाइट नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चला रहे थे और इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को CAA NRC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से जोड़ना था। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों कश्मीर के रहने वाले हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबर। संवेदनशील इलाकों सामान के साथ इन लोगों को हिरासत में लिया गया है और जानकारी ये कि ये आत्मघाती हमले की तैयारी में थे। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, पुलिस को इनकी भनक कैसे लगी? देखिए, स्पेशल सेल को कुछ इंटरसेप्शन मिले थे और जिसके बाद स्पेशल सेल की लोधी कॉलोनी की जो टीम है उसको ये बड़ी कामयाबी मिली है। जो पति पत्नी है उन्हें हिरासत में लिया गया है। दोनों ही कश्मीर के रहने वाले हैं और अगस्त के महीने से ये दिल्ली में रह रहे थे और अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो सी और एनआरसी एंटी सी और एनआरसी कैंपेन चला रहे थे और लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। इनके पास से बहुत बड़ी तादाद में जिहादी मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं जिसकी जांच स्पेशल सेल कर रही है। जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी जल्द इन दोनों पति पत्नी से पूछताछ करेंगी। जो इनके पति हैं ये दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करते थे और लगातार दिल्ली में ये जितने भी एंटी सी और एनआरसी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। सीधे तौर पर आईएसआईएस से इनके जुड़े होने के जो तार हैं उसके कुछ प्रमाण जो है स्पेशल सेल को मिले हैं और जो खुरासान मॉड्यूल है जो इसी का एक पार्ट है जिसमें बीच में अगर आप देखेंगे तो कुछ साल पहले जो ट्रेन में लगातार ब्लास्ट होते थे पटरियों पे उस मॉड्यूल से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। तो लगातार अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इनसे पूछताछ कर रही हैं और इनसे किस मकसद से दिल्ली में आए थे वो और तमाम चीजें जो है वो इनसे जुटाने की कोशिश की जा रही है। और पूछताछ में आनंद जाहिर तौर पर उन लोगों तक भी अब पुलिस को पहुंचने में आसानी होगी जो इनके साथ जुड़े, क्योंकि इतना बड़ा जिस तरीके से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरीके से बड़े भीड़ को बहुत ज्यादा लोगों को प्रोटेस्ट में जोड़ने की कोशिश हो रही थी, जाहिर तौर पर अकेले तो ये दोनों नहीं कर सकते, और भी लोग इसमें शामिल होगी इस बात की भी संभावना और उन लोगों तक पहुंचने में भी पुलिस को आसानी होगी पूछताछ के बाद? जी देखिए, बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं उस पर कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कई ऐसे दूसरे ग्रुप हैं जिसकी तफ्तीश जो है स्पेशल सेल करेगी कि किस तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए ये जो भी आईएस मॉड्यूल से और जुड़े लोग हैं उनके संपर्क में किस तरह से आए थे, कभी आईएसआईएस से प्रभावित हुए थे, किस तरह से आईएसआईएस विचारधारा से जो जुड़े लोग हैं उनके साथ किस तरह से टच में आए थे। दिल्ली में जब ये अगस्त में पहुंचे थे तो इन्हें किसके इशारे पर यहाँ पर भेजा गया था, फंडिंग इन्हें कहाँ से मिल रही थी जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने चला रहे थे, इसको लेके इनको फंडिंग कहाँ से आई थी, तमाम चीजों की जो जांच है वो अब स्पेशल सेल करेगी। इन दोनों के नाम भी मैं आपको बता दूं, जहान जेब सामी और जो उनकी पत्नी है उनका नाम वशीर बेग बताया जा रहा है, जिनसे लगातार स्पेशल सेल लोधी कॉलोनी में पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, तो पूछताछ के बाद और तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर इन दोनों के साथ और कौन कौन लोग जुड़े थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमले की तैयारी में थे ये पति पत्नी जो कि आईएसआईएस से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये दंपति CAA NRC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से जोड़ना इनका मकसद था और इस मकसद को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे थे ये दंपति। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो दंपति जिनकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है।